वाराणसी की जिला अदालत ने जैसे ही ये फैसला सुनाया कि आदि विशेश्वर ज्ञानवापी मंदिर का मुकदमा सुनने योग्य है, वैसे ही वाराणसी के सुभाष भवन में मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाजनीन अंसारी के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं ने भगवान शिव की आरती कर बैंड बाजे के साथ जश्न मनाया। मुस्लिम महिलाएं ज्ञानवापी मामले में शुरू से ही सच के साथ हैं और औरंगजेब के कलंक से काशी विश्वनाथ मंदिर को मुक्त कराना चाहती हैं। जी, ज्ञानवापी पे काफ़ी समय से मामला लंबित है और कल ये पता चला कि आज फैसला आने वाला है कि केस सुनवाई होगी कि नहीं होगी। आखिरकार आज हिंदू पक्ष की जीत हुई और माननीय कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जो हिंदू पक्षकार है उनकी सुनवाई होगी और फिर से उसकी जांच होगी कि वहाँ क्या था। और ऐसे में हम सारे मुसलमान भाइयों से यही अपील करना चाहेंगे कि जो जिसकी ज़मीन है वो उसको वापस कर दें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि काशी विश्वनाथ की नगरी है और कण कण में शिव विराजमान है। और जब उस परिसर में शिव जी का मंदिर इतना भव्य बना दिया गया है तो उस परिसर को भी वहाँ से खाली कर देना चाहिए। और हिंदू भाइयों को तो ये भी सोचना चाहिए कि जब ये कहते हैं कि बैतुल की ज़मीन और बैतुल का आसमान होना चाहिए तो वहाँ पे विवादित जगह पे आपकी नमाज भी जायज़ नहीं है, तो ऐसे में उस जगह को खाली कर देना चाहिए कि जब आपकी नमाज ही नहीं कबूल हो रही है तो फिर आप वहाँ क्यों ऐसे विवादित जगह पे ऐसा काम कर रहे हैं। तो आप वहाँ की ज़मीन जल्द से जल्द खाली करके हिंदू भाइयों की जगह हिंदू भाइयों को सौंप देनी चाहिए। और इस पर तो अब आगे भी कोई दलील नहीं भी आनी चाहिए और ना ही जनता को आपस में लड़ना चाहिए, ना हिंदू मुसलमान के जो भी चीज़ें हैं उसको भड़काना चाहिए, क्योंकि सबको स्वेच्छा से मुस्लिम भाइयों को स्वेच्छा से वो जगह खाली कर देनी चाहिए और हिंदू भाइयों की जगह उनको वापस कर देनी चाहिए। आज कोर्ट ने फैसला दिया है कि सुनवाई को आगे जारी रखा जाए और इसके लिए आज हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि जो साक्ष्य हैं, जो आदि विश्वेश्वर का मंदिर है, जो श्रृंगार गौरी की पूजा चली आ रही है, इन सबको देखते हुए ये लगता है कि यकीनन वहाँ पर हमारे आदि विश्वेश्वर का मंदिर है और इसमें सुनवाई होगी, सारे साक्ष्य रखे जाएंगे, दुनिया सच जानेगी और दुनिया के सामने सच साबित होगा और हमारी देश की संस्कृति की विजय होगी। क्योंकि जो आक्रांता, जो बाहर से आक्रमणकारी आए वो हमारे पूर्वज नहीं थे, वो बाहर के आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर हमला करके भारत की संस्कृति को, भारत के सांस्कृतिक चिन्हों को नष्ट करने की, यहाँ के मंदिरों को नष्ट करने की कोशिश की, तो उसे लोग अपना पूर्वज आज मान बैठे हैं। तो मेरी मुसलमानों से अपील है कि अपने पूर्वजों को ना भुलाएं, अपने उनके पूर्वज हिंदुस्तानी थे, भारत के रहने वाले थे, कोई बाहर से आया हुआ आक्रमणकारी उनका पूर्वज नहीं था, इसलिए भारत की संस्कृति उनकी अपनी संस्कृति है, यहाँ के पूर्वज उनके अपने पूर्वज हैं, इस नाते वो इस ज्ञानवापी परिसर को खाली करने में और हिंदू पक्ष के साथ खड़े होने में अपना पूरा योगदान दे। जिस तरह से अयोध्या का फैसला शांतिपूर्वक ढंग से निभाया गया, हमारे बहुत सारे हिंदू भाइयों ने, मुस्लिम भाइयों ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए अयोध्या फैसले में अपना साथ दिया, उसी तरह ज्ञानवापी के फैसले में भी मुस्लिम भाई अपना साथ दें और शांति बनाए रखें। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका, पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।